Assalamu alaikum everyone. So, we will start with the preterm name and uska aakhri topic hum karne lage, which is about P-PROM, yani ke preterm, premature rupture of the membranes. Theek hai? Abhi humne pehle dekh lete hain ki ye hai kya. Main aapko pehle bata dun ki iske bare mein na book mein bahut zyada acha sa nahi likha hua. Iska question bahut zyada aata hota hai ki female aapke paas aayi hai, present ki hai, itne weeks ki hai, matlab itni gravid hai, itni para. Zyadatar wo preterm hi aapke paas aati hai, matlab 32 weeks, 34 weeks ye common hai. और वो आपके पास प्रेजेंट की है विद द कम्प्लेन ऑफ प्री टर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. जाहिर है उसको तो नहीं पता चलेगा, वो कम्प्लेन करेगी वजाइनल लीकिंग के साथ. और आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि सर्विक्स भी उसका 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है और उसकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो चुकी है. तो पहली बात तो ये कि कभी कभार वो आपसे पूछते हैं कि वजाइनल लीक के साथ आई है तो ये क्या हुआ है उसको, तो वो पी प्रॉम आपने लिखना होता है. आपने उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे मैनेज करना है, ये बहुत क्वेश्चन आता है. डायरेक्टली बुक में इसका बहुत अच्छा सा आंसर नहीं लिखा हुआ, तो आपने लाजमी अपने पास थोड़ा बहुत नोट कर लेना. अगर कोई एक्स्ट्रा बात है तो मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले तो ये कि पता होना चाहिए व्हाट इज पी प्रॉम एंड व्हाट इज प्रॉम. ठीक है, दो बातें होती है ना, एक होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स और एक होता है प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स. अगर आपके पास एक फीमेल आई है जो टर्म में है, टर्म का मतलब है कि 37 से 42 वीक्स के दरमियान में है और अभी उसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुई लेकिन उसकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई. मेम्ब्रेन्स रप्चर होने से मुराद है कि उसका फ्लूइड यानी एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने लग गया थ्रू वजाइना. ठीक है, तो इफ देयर इज वजाइनल लीक बट देयर इज नो लेबर, देयर आर नो लेबर पेन्स, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स. लेकिन वो टर्म में है, ठीक है, फीमेल टर्म में है 37 से 42 वीक्स के दरमियान में और उसको लीकिंग स्टार्ट होगी विदाउट एनी लेबर पेन्स, तो शी इज सेट टू बी हैविंग प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, जो मैक्सिमम फीमेल्स का हो भी जाता है. ठीक है, और उसके बाद अगर उनको हम देखते हैं अगर लेबर पेन्स नहीं स्टार्ट होती तो फिर हम उनको लेबर पेन्स इंड्यूस कराते हैं बाई गिविंग ऑक्सीटोसिन यानी सिंट्रोसिनोन. तो ये होती है आपकी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स. और अगर आपके पास एक फीमेल आ गई है बिफोर टर्म यानी 24 वीक्स से 36 वीक्स के दरमियान में आई है और वो आई है कम्प्लेन के साथ वजाइनल लीक की, ठीक है, वजाइनल लीक की, एमनियोटिक फ्लूइड लीक की कम्प्लेन के साथ आई है, तो उसको हम कहते हैं कि प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स, वो प्री पी प्रॉम होता है. ठीक है, तो ये आपने याद रखना. जाहिर है पी प्रॉम ज्यादा पैथोलॉजिकल चीज है जो कि डेफिनेटली टर्म से पहले रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स होना जब भी होगी वो पैथोलॉजिकल ही होगा, जबकि जो प्रॉम है इट इज नॉट ऑलवेज पैथोलॉजिकल, एक्सेप्ट फीमेल्स का हो भी जाता है और उसके बाद उनकी लेबर खुद भी खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इनकी डेफिनेशन कि इट इज बिफोर टर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स और इट इज एट टर्म रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स बिफोर स्टार्ट ऑफ लेबर यानी कि कॉन्ट्रेक्शन. अच्छा, कॉजेज क्या होती है जो प्रॉम पे रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होता है ना, मतलब अगर लेबर की पेन स्टार्ट होने से पहले टर्म के टाइम पे 37 वीक्स के बाद अगर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन होती है तो वो ज्यादा इस वजह से होती है क्योंकि अभी लेबर स्टार्ट होने वाला होता है तो उसकी और हैवी यूट्रस का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है और उसकी वजह से मेम्ब्रेन भी बहुत थिन आउट हो चुकी होती है उस टाइम तक और लेबर भी स्टार्ट होने वाली होती है, यूट्रस भी फेस हो रहा होता है, तो सारे के रिजल्ट में मेम्ब्रेन कभी कभार पहले रप्चर हो जाती है. ठीक है, तो उसकी ये रीजन होती है. जबकि जो पी प्रॉम है ना, मैंने आपको बताया कि ये हमेशा ही पैथोलॉजिकल होती है और इसकी मोस्ट कॉमन कॉजेज इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन्स. कोरियोएमनियोनाइटिस बहुत कॉमन कॉज है, नीचे से असेंडिंग इन्फेक्शन चला गया, प्लेसेंटा के थ्रू आ गया, जो भी हुआ इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पी प्रॉम. उसके अलावा प्रीमेच्योर रप्चर हो सकता है तब अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाए, मतलब प्लेसेंटा उखड़ जाए फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स, तो भी मेम्ब्रेन्स का प्रीमेच्योर रप्चर हो सकता है. ठीक है, प्लेसेंटल एब्रप्शन है मोस्ट कॉमन तो है ही इन्फेक्शन. उसके बाद अगर मेटर्नल स्मोकिंग है एंड मेटर्नल यूज ऑफ कोकेन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभार आपकी जो पोलीहाइड्रोएमनिया उसके केसेस होते हैं, जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के केसेस होते हैं एंड आपकी एक और रीजन थी इधर प्री एक्लेप्सिया, इन सब में भी इट इज अ कॉज के पी प्रॉम हो सकता है. ठीक है, मोस्ट कॉमन इज स्टिल इन्फेक्शन. तो ये आपकी सारी कॉजेज होती है कि प्रीमेच्योर, ये आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई, आपने अपने पास लिख लेनी है. ठीक है, कभी कभार पूछ लेते होते हैं. अब जाहिर है रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स के साथ अगर फीमेल आती है वजाइनल लीक हो गया उसे, तो हमने उसको ये देखना है कि कितना वजाइनल लीक हुआ है, कितना लाइकर वॉल्यूम बाकी रह गया है, क्या इतना है कि फीटस रह सकता है उसके अंदर, वायबल गुजार सकता है टाइम या नहीं गुजार सकता. अगर बिल्कुल भी नहीं गुजार सकता तो हमें फॉरन डिलीवरी करानी पड़ेगी. अगर हमें लगता है कि इट्स फाइन एक्सपेक्टेंटली मैनेज हो सकता तो हमने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करनी है. तो ये सब कुछ कंडीशन टू कंडीशन एंड केस टू केस वेरी करने वाली बात है. लिखने के हिसाब से हमने क्या लिखना है कि हमने कैसे डायग्नोज करना है फीमेल को, हिस्ट्री उसकी वो बताएगी, उसको कितनी देर पहले एपिसोड हुआ है, मतलब 6 घंटे पहले हुआ है, 5 घंटे पहले हुआ है, क्योंकि जब होगा तो जाहिर है फॉरन आपके पास आ जाएगी, कुछ आवर्स का ही डिफरेंस हो सकता है. तो कितने घंटे पहले हुए, कितना लीकेज हुआ है, मतलब ये कि मुस्तकिल लीकेज रहा है या फिर एक थोड़ा सा लीकेज हुआ था और वो रुक गया खुद ब खुद, या कुछ करना, मतलब वॉट एवर वॉज डन, वो सारी हिस्ट्री आपको गाइड करती है अबाउट द कंडीशन कैसी थी और कितना लीक हुआ है. ठीक है,
फिर वो जनरल एग्जामिनेशन आप उसको कंफर्म करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पर आपको पूल ऑफ लाइकर यानी के एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा एंड अलोंग विद दैट अब जब फीमेल का उसी उधर से ही क्योंकि आपने उसको इन्फेक्शन को रूल आउट लाजमी करना होता है ना तो आप जेनिटल ट्रैक स्वैब ले लेते हैं, लोअर जेनिटल ट्रैक से मतलब वजाइना एंड सर्वाइकल एरिया से स्वैब लेते हैं जो कि कभी कभार नहीं भी बताता सही से इन्फेक्शन को लेकिन मोस्टली बता भी देता है कि अगर कोई इन्फेक्शन चल रहा हो तो ठीक है। और देन आपने मॉनिटर करना है फौरी तौर पर, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपने अल्ट्रासाउंड करके देखना लाइकर वॉल्यूम कितना एंड फीटल सीटीजी यानी फीटल कार्डियोट्रोकोग्राफ करके फीटल हार्ट मॉनिटरिंग करनी है कि उसकी कोई डिसेलरेशन तो नहीं आ रही, स्ट्रेस के साइंस तो नहीं आ रहे फीटस के, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड आप जब करेंगे तो आप उसमें आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को असेस करने के लिए आप एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, आप देखते हैं कि चारों क्वाड्रेंट्स में कितना मैक्सिमम वर्टिकल पूल कहां कहां पर है और उस सबको आप ऐड करके एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकालते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है वो नॉर्मल है या फिर कितना कम हो चुका है, कितना ज्यादा वो बर्दाश्त किया जा सकता है, मतलब वो सारी की सारी बहुत डिटेल की बातें वो नहीं आती बस, लेकिन पता होना चाहिए कि आपने अल्ट्रासाउंड करके चेक करना है लाइकर वॉल्यूम कितना है, फीटल सीटीजी चेक करनी है ताकि फीटल कार्डिक मॉनिटरिंग की जाए और पता चले कि फीटल स्ट्रेस में तो नहीं है। उसके बाद आपने उसको मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट में आती है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट यानी वेट एंड वॉच वाली मैनेजमेंट, वो तब आती है जब आपके पास फीमेल आई है जो थोड़ी सी वजाइनल लीक की हिस्ट्री थी उसकी और अब कोई मसला नहीं है तो फिर आप उसको देखते हैं और आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन भी नहीं मिला तो यू कैन वेट के हो सकता है हल्का फुल्का सा जो कोई होल हुआ था वो खुद ही कुछ टाइम में ठीक कर जाए, आप एडमिट करते हैं हॉस्पिटलाइज करते हैं उसको वाइटली स्टेबल करते हैं और वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग इसमें ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग किस चीज की, बार बार आपने फीटल मॉनिटरिंग साथ साथ अलग होती है और मेटरनल जो मॉनिटरिंग है वो दोनों अलग होती है, ठीक है, मतलब दोनों चीजों को आपने साथ साथ रखना है। तो मदर में आपने साइंस ऑफ कोरियो एमनियोनाइटिस को मुस्तकिल ध्यान में रखना है, अगर अभी आपको नहीं भी मिले तो आपने आगे चेक करना है कि वो ना जाए, ठीक है, जिसमें मदर का टेम्परेचर जाहिर है कोई भी इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, मदर का हार्ट रेट कैसा है और मदर की ESR और CRP, ठीक है, ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो आपने लाजमी चेक रखने हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, हार्ट रेट, जाहिर है रेस्पिरेटरी रेट, ESR और CRP, ये आपने मदर का चेक करना है और उसके साथ आपने मदर के ही लोअर जेनिटल ट्रैक्ट स्वैब्स भी बार बार लेने हैं टू चेक फॉर द इन्फेक्शन और फीटल CTG मॉनिटरिंग साथ साथ आपने कंटिन्यू रखनी है। तो ये आपकी अगर आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी करें तो भी ये मॉनिटरिंग लाजमी चलेगी, अगर आप ये डिलीवरी कराने का सोच रहे हैं तब भी ये मॉनिटरिंग लाजमी चलेगी। फिर अगर आपको लगता है कि इट इज इम्पॉसिबल कि इसको हम रख सकें फीटस को, अगर कहा ही जाता है कि 36 वीक्स के बाद फीमेल आती है 37 वीक्स पे आती है तो फिर तो आप लाजमी तौर पे उसको बगैर कुछ सोचे मतलब आप साइंस वगैरह बाकी देखें, चेक करें, मॉनिटर करें और आप डिलीवर करा दें 37 वीक्स पे, इवन 36 वीक्स पे, 36-37 वीक्स पे अगर वो आती है उसके बाद आती है कि उसकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई है तो फिर आपने लेबर को इंड्यूस कराना है और डिलीवर करा देना फीमेल को, जो भी अप्रोप्रिएट मेथड है, वजाइनल है, सिजेरियन है, जैसे भी है, अगर वजाइनल नहीं होता सिजेरियन से करना है तो जैसे भी करना है, अगर 36 के बाद आ रही है तो आपने डिलीवर करा देना है, 36 से पहले अगर पी प्रॉम के साथ आ रही है तो फिर हम ये मैनेजमेंट करते हैं कि हम मॉनिटर करते हैं, एक्सपेक्टेंटली देख लेते हैं अगर हम रख सकते हैं, अगर कोरियोमियोनाइटिस डेवलप हो जाए ना तो फिर बहुत चांस होता है कि मेटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो जाएगी, अगर हमने इसको रखा फिर हम रखते नहीं है, फिर हम चाहे 32 वीक्स पे है 34 पे हम करते हैं फिर यही कि स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं मदर को, डेक्सा देते हैं और डेक्सा से बच्चे के लंग्स मैच्योर होते हैं 24 आवर्स या 48 आवर्स जितना हो सकता है हम वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको डिलीवर करा देते हैं, ठीक है। टोकोलिटिक्स नहीं देने, ठीक है, कभी भी आप पी प्रॉम में खासतौर पर जब इन्फेक्शन होगा तब टोकोलिटिक्स नहीं देते क्योंकि अगर आप लेबर को मजीद रोकेंगे तो इन्फेक्शन के स्प्रेड होने का चांस है, तो मदर और फीटस दोनों के लिए खतरनाक है, तो आपने टोकोलिटिक्स नहीं देने एंड डिलीवरी प्लान कर लेनी होती है, ज्यादातर यही हो रहा होता है, ठीक है। ये तो ये टॉपिक खत्म हो गया। फिर आपके पास जरा सा एक बात थी कि प्री टर्म डिलीवरी को हम प्रिडिक्ट पहले से कैसे कर सकते हैं, तो एक तो आपकी पास्ट ऑब्स हिस्ट्री है, ठीक है, फिर पहले से हम पूछते हैं फीमेल्स की पिछले बच्चे कैसे हुए थे, मैंने जितना आपको कहा था कि जिस फीमेल के दो बच्चे 7 महीनों पे होते हैं उसका तीसरा बच्चा भी 7 महीने पे होने का चांस बहुत ज्यादा है, तो पास्ट ऑब्स हिस्ट्री। फिर एक और चीज होती है कि आप सर्वाइकल लेंथ मेजर करते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा सर्वाइकल लेंथ आपकी छोटी होती जाती है उतना ही आपका प्री टर्म डिलीवरी का चांस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं सर्वाइकल लेंथ को और सर्वाइकल लेंथ से आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना आपका प्री टर्म रिस्क या डिलीवरी होने का चांस है, ठीक है। तो ये आगे एक सेकेंड सर्वाइकल लेंथ, देन आपके पास अगली जो बात मैंने आपको बतानी थी वो है कि प्रिवेंट कैसे करनी है प्री टर्म डिलीवरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बच्चों को ना जहन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए
प्रोजेस्टेरोन आपको पता है कि अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. इस वजह से अगर हमारे पास कोई फीमेल अर्ली प्रेगनेंसी में आती है, यानी 12 वीक्स पे आ रही है, 11 वीक्स पे आ रही है, या इवन 13, 14 वीक्स पे आ रही है किसी ब्लीडिंग की हिस्ट्री के साथ, जिसमें हमें लग रहा है कि क्योंकि ब्लीडिंग की हिस्ट्री जब होती है ना फीमेल की, तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन की सपोर्ट कम हो रही है, उसकी अपनी बॉडी प्रोजेस्टेरोन सही से नहीं बना रही, तो हम बाहर से उसको प्रोजेस्टेरोन की सपोर्ट दे देते हैं. उसको हम कहते हैं, आपको पता है, आपने सुना होगा अक्सर ग्रेविबिनॉन के इंजेक्शन लगे थे. सारी फीमेल्स को खुद भी पता होता है कि हमें ग्रेविबिनॉन लगा था 15वें हफ्ते पे हम आए थे जब, तब लगा था, 3 इंजेक्शन लगे थे. तो ग्रेविबिनॉन इज बेसिकली प्रोजेस्टेरोन जो हम बाहर से उनको सपोर्ट देने के देते हैं. लेकिन ये बात याद रखिए कि फीमेल की अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन का रोल है. लेटर प्रेगनेंसी में जब बीटा एचसीजी आ जाता है तो फिर प्रोजेस्टेरोन का इतना रोल नहीं रहता. तो अर्ली प्रेगनेंसी की फीमेल अगर वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आती है तो हम उसको ग्रेविबिनॉन देते हैं साथ, अलॉन्ग विद अदर मेजर्स अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो. लेटर प्रेगनेंसी में 24 वीक्स, 28 वीक्स, 30 वीक्स में आपका ग्रेविबिनॉन का कोई रोल नहीं होता, तब आप प्रोजेस्टेरोन नहीं देते. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फीमेल्स होती है सर्वाइकल वीकनेस के साथ, यानी जिनमें सर्विक्स खुल जाता है, जल्दी खुल जाता है, बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनमें हम करते हैं सर्विक्स पे स्टिचेस लगा देते हैं. और वो स्टिचेस हमने लगाने होते हैं सर्विक्स के खुलने से पहले. ठीक है, अगर ये सर्वाइकल ऑस है, अभी एक फीमेल ने कंसीव किया है, उसकी बहुत हिस्ट्री है सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की, जिस फीमेल की भी सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है ना, उसमें आपने सर्वाइकल वीकनेस जरूर चेक करनी है. ठीक है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस की हमारे पास एक फीमेल आई है, उसकी हिस्ट्री है, तो हमने चेक किया, तो अगली बार आप वो प्रेग्नेंट होगी, उसने कहा है कि उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका मिस हुआ, आपने चेक किया प्रेग्नेंट है, आप उसी वक्त की कोशिश करें कि आप उसको उसी वक्त स्टिचेस लगा दें सर्विक्स पे. ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आप ट्रांसवजाइनल भी लगा सकते हैं, अगर ट्रांसवजाइनल नहीं लग सकते तो आप ट्रांस एब्डोमिनल भी लगाते हैं, लेकिन आप लगाते हैं उसको, आप सर्वाइकल सर्कलाज करना कहते हैं. द रीजन इज के जो सपोर्ट उसका सर्विक्स खुद से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा या नहीं दे पा रहा यूट्रस को, वो आप बाहर से देते हैं थ्रू स्टिचेस. और साथ ही उसकी फीमेल को कुछ एडवाइसेस देनी होती है कि वो ज्यादा लेटी रहा करेगी, मतलब खड़ा उसने कम होना है ताकि बोझ कम से कम पड़े, क्योंकि ज्यादा स्टिचेस भी तो खुल सकते हैं ना, ताकि उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके और रह जाती है बड़े आराम से. तो ये आपका एक तरीका होता है कि प्रिवेंट कर सकते हैं प्री टर्म डिलीवरी को. तो यहाँ पर बात करते हैं, किसी कोई मसला हो या फिर आस्क मी. थैंक यू.